हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ मिष्टी रोटी, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें मैं आटा ले लूँगी 250 ग्राम। गेहूं का आटा है ये। 100 ग्राम हम बेसन ले लेंगे। ये मैंने एक कटी हुई प्याज ले ली है। धनिया ले लेंगे हम कटी। 2 मैंने मिर्च ली है बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून हम जीरा ले लेंगे, 1 टीस्पून हम सौंफ ले लेंगे, जीरा पाउडर हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ले लेंगे हम 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ले लेंगे हम 1 टीस्पून, तिली ले लेंगे हम 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम काला नमक ले लेंगे, वाइट नमक हम ले लेंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून हम रेड चिली ले लेंगे कश्मीरी, ये हम दही ले लेंगे। इसमें हम 100 ग्राम मैंने दही लिया है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच में हम तेल डाल देंगे मोमन के लिए। इन सबको देखिए अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक डो बना लेंगे। हमको मिष्टी रोटी बनाना है तो न ज़्यादा हमको टाइट चाहिए न लूज चाहिए है, पराठे जैसे हमको आटा चाहिए। तो हम पानी डाल डाल करके ऐसे हम एक डो बना लेंगे, गूंथ लेंगे हम। देखिए, हमने डो लगा लिया है, ये देखिए। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम रोटियां बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक पट्टा ले लिया है, इसमें मैं आटा डस्ट कर लूँगी। और हमने जो आटा लगाया है इसको हम लोइयां बना लेंगे इस तरह से। बहुत बड़ी नहीं बनाना है हमको, बहुत छोटी भी नहीं बनाना, ये मीडियम साइज़ की हमको बनाना है मिष्टी रोटी। तो हम बना लेते हैं। हाथ से ही हम इस तरह से बढ़ा लेंगे अपनी रोटी को। तो देखिए, मैंने बना ली है रोटी। हमें बहुत पतली नहीं बनाना, बहुत मोटी नहीं बनाना है हमको, इस तरह से बनाना है। देखिए, तो इस तरह से मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। तो देखिए, मैंने अपनी सारी मिष्टी रोटी बना ली है। इसे हम तवे में सेंक लेंगे। तो देखिए, तवा हमारा गर्म हो गया है, तो हम अपनी मिष्टी रोटी इसमें सेंक लेंगे। देखिए, रोटियों को हम अच्छी तरह से पलट लेंगे, दूसरी तरफ से भी हम सेंक लेंगे। देखिए कितनी सुंदर हमारी मिष्टी रोटी बनी है। अब इस तरह से भी हम अच्छी तरह से सेंक लेंगे। तो हम बटर लगा देंगे अब इनमें, और इस तरह से फिर हम पलट करके फिर से हम सेंक लेंगे। इन्हें हम पलट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी, कितनी क्रिस्पी हमारी ये रोटियां बनी हैं। इधर भी हम बटर लगा देंगे। और इस तरह से हम पलट पलट करके अपनी दोनों तरफ से हम रोटियों को सेक लेंगे। ये
हमारी मिस्टी रोटी बहुत अच्छी तरह से देखी सेक के ये बन गई है। इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं अपनी सारी मिस्टी रोटी सेक लूँगी। देखिए हमने प्लेटिंग कर लिए हैं। मिस्टी रोटी हमारी देखिए बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनी है। और ये मैंने दही में शक्कर मिला लिया है। इसमें हम चारों तरफ से जीरा पाउडर डाल देंगे, गार्निश कर लेते हैं थोड़ा सा हम दही की। थोड़ा रेड चिली से हम गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए हमारी मिस्टी रोटी बनके तैयार है। तो लीजिए गाइस बनके तैयार है हमारी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची हमारी मिस्टी रोटी। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।